एक मंजिल की तरफ तो हजारों लोग जा रहे हैं, पर अलग चलने का तरीका ही तुम्हें अलग दिखाएगा। तो इसी अलग तरीके से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग है ट्रैवल का, एक गुरुद्वारा के दर्शन भी कराऊंगा मैं आज। अभी हम चलते हैं, थोड़ा लेट हो गया मैं पहले। तो आज मैं जा रहा हूँ रूपनगर अपनी मम्मा के साथ, और मम्मा को मैं अपनी मासी का घर ड्रॉप करूँगा और वहाँ से आगे आपको लेके जाऊँगा गुरुद्वारा साहब। तो अभी मैं हूँ खरड़ फ्लाईओवर पे, मेरे लेफ्ट साइड आप देख रहे होंगे वीआर पंजाब मॉल, और यहाँ से रूपनगर 45 किलोमीटर है अप्रॉक्स, जिसको रोपड़ भी बोलते हैं। मेरे राइट साइड है फेमस हवेली और लेफ्ट साइड है सोलखियां गुरुद्वारा। तो मैं पहुंच गया हूं अपने मासी के घर, और मम्मी को यहां पे ड्रॉप करके अपने कज़न के साथ मैं निकलता हूं गुरुद्वारे की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री पट्ठा साहिब। 1745 में जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने घर अनंतपुर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे स्टे की थी। उस टाइम पर यहाँ पर ईंटों का बहुत बड़ा भट्टा था, जिसको गुरु जी के घोड़े ने अपने पैर मार के बिल्कुल ठंडा कर दिया था, और वो पैरों के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अंदर चल के आपको भी मैं दर्शन करवाता हूँ। तो अभी आपके सामने हैं गुरु जी के घोड़े के पैरों के निशान, जो कि बिल्कुल क्लियरली विजिबल है यहाँ पर।
अभी आप देख रहे हो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शस्त्र जो कि 1947 में यहाँ पर आए थे। गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल बाहर छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है जहाँ से आप सामान वगैरह भी खरीद सकते हो और साथ में ही पार्किंग भी है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन है सतलुज रिवर हेड जो कि पट्ठा साहिब से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। आजो चलते हैं और ये प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आजो आपको दिखाता हूँ। जगह के बारे में काफ़ी कम लोगों को ही पता है आई थिंक, तो अगर आपको ये जगह अच्छी लग रही है तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आकर जाना। काफ़ी अच्छी जगह है, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके बिल्कुल साथ में ही एक छोटा सा कैफ़े भी बना हुआ है जहाँ पर आप खा पी सकते हो बैठ के। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। और अगर आप नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आगे बड़ा सही सही कंटेंट आ रहा है और सही सही वीडियोज़ आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय।